मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जानना चाहता। पूरे 6 लाख का चेक है, आंखें खोल के देख लेना। अबिल्ले अबिल्ले अबिल्ले, अबे कमाल हो गया भाई, है तो कमाल हो गया। अबे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जो काम मुझसे नहीं हो सका तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया। ये देख, ये तोता भी गवाही दे रहा है इस बात की। बस ये समझे अब्बा के वफा ने अपनी बुरी किस्मत से इख्तियार छीन लिया। अरे नाज करता तेरा बाप तुझ पे, बिल्कुल मुझ पे गई है। खुदा कसम दिल इतना खुश हो रहा है, दिल करा ढोल बजा के नाचना शुरू कर दूं। अच्छा बस बस अब्बा, थोड़ी देर के ना अपनी इस खुशी को संभाल के जरा साइड पे रख लो, और सबसे पहले जाके जुनेद का और अम्मा का दिमाग ठीक करो। मेरी रुखसती के ख्वाब सजा रहे हैं वो, अगर तो इस घर में मेरी रुखसती के ढोल बजना शुरू हो गए ना, तो हमारे दिलों पे खंजर चलना शुरू हो जाएंगे। अब्बा हमारे दिल में जो अरमान है ना, वो दिल में ही रह जाएंगे, बल्कि आंसू बन के बह जाएंगे। अब्बा हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। अरे कैसी रुखसती, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए कौन तेरा बाप बनने की कोशिश करता है। नफीसा, जुनेद, नफीसा। जबान देने से पहले पूछा था क्या तुम लोगों ने मुझसे? पूछा था जो मैं तुम लोगों की इज्जत का ख्याल करूं। अब्बा आज नहीं तो कल रुखसती तो होनी है ना? रुखसती? अब्बा पूछे पूछे इससे कि मेरी रुखसती की इतनी फिक्र क्यों है इसे? आखिर ऐसी वो कौन सी वजह है जो मेरी मौजूदगी इनके राजो न्याज में खलल पैदा करेगी? इसकी फिक्र तो नहीं होती है, मेरी जान को क्यों आए हुए? ये तो वफा की जान को आ गया ना, अपनी जान की फिक्र कर जो वैसी थोड़ी सी रह गई है। मैं खुद गर्जी के उस मकाम पे नहीं पहुंच सकता जिस मकाम पे ये आपकी बेटी चढ़ के हम सबकी रसवाई का सबब बन रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब्बा देखा आपने, देखा ऐसे होते हैं भाई, मुझे तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, मेरी कामयाबी देख के तो मुझे इस घर में ही दुश्मन खैरात में मिल जाते हैं। वफा बैठ, बैठ, बैठ। क्या कर रहे हो? खबरदार, खबरदार जो तूने हाथ उठाया मेरी बेटी पे, वरना दुनिया से उठा दूंगा तुझे मैं। अब्बा रहने दो, छोड़ो, इसे क्या ख्याल होगा, जिसे जवान बहन का ख्याल नहीं है उसे मारने के लिए दौड़े, बूढ़े बाप का क्या ख्याल करेगा? मैं ही बदनसीब हूँ जो इस घर में पैदा हो गई। अरे अरे ऐसे बेइज्जत लोगों के लिए आंसू नहीं बहाते। तू तो रानी है मेरी बेटी, रानी, और रानी का क्या काम होता है? राज करना। मैं देखता हूं कैसे मेरी बेटी की डोली उठती है मेरी इजाजत के बगैर। शराफत, देखो ये फरहाद की बीवी है और फरहाद की खुशी भी इसी में है कि रुखसती हो जाए। अब्बा ये भी आपकी बीवी है ना, जरा पूछे पूछे आज इनसे कि इन्होंने आपकी खुशी के लिए क्या किया है। कुछ नहीं। और झूठ बोल रही है ये, मेरी बात हो चुकी है फरहाद से, वो भी वही चाहता है जो मैं चाहती हूँ। बस कर दो वफा, क्यों अपने बाप को बहका रही हो? लो जी एक नया इल्जाम लग गया मुझ पे कि मैं आपको बहकाती हूँ, जिसे आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता ना। अब्बा मत करे जिद, छोड़ दे बिला वजह की जिद, छोड़ दे, जो रिश्ते पहले जुड़ चुके। अरे मैं नहीं मानता रिश्तों को, जो मजबूरी की बुनियाद पे किए गए हूं। मैंने गुस्से में दो लफ्ज क्या बोल दिया, तुमने जाकर नकाब ही पड़वा दिया। मैं इतना जालिम हूं, इतना जालिम हूं जो अपनी बेटी को बेचूंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, अगर किसी ने भी कोई भी कदम मेरी मर्जी के खिलाफ उठाया तो एक एक को जिंदा दफना दूंगा, इस घर को कब्रिस्तान बना दूंगा तुम्हारा। मैं अब्बा अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का कुछ ख्याल कर ले। चुप कर तू, वरना तू एक कान के नीचे। ये तो अपनी माँ की जबान अपनी दांतों में दबाए घूम रही है ना, तेरे सारे दांत तोड़ के काट के तेरी जबान फाड़ फेंक दूंगा मैं। शराफत आराम से बात करो, देखो क्या बात करे, क्या बात करे, तू क्या चाहती है? मैं अपनी खूबसूरत और होनहार बेटी उस दो टके के फरहाद को पकड़ा दूं? बात सुन, वफा तो क्या
उसका नाखून भी नहीं उसको दूंगा मैं, समझी तू? अब्बा, इससे तो बेहतर था कि आप मुझे जुए में ही हार जाते, मेरे घर वाले तो अपनी फिक्रों से आजाद हो जाते। अरे ना बेटा ना, आजादी तो तेरा मुकद्दर है, मैं भी देखता हूँ कौन तेरे रास्ते में रुकावट डालता है, चीर दूंगा मैं उसे। अपनी बहन को जबान दे चुकी हूँ ना शराफत, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे बाढ़ में गई तू, तेरी जबान, तेरी बहन, मेरी नजर में तेरे लफ्जों की कोई अहमियत नहीं है। और ये तू स्कूल की टीचर बनी घूमती रहती ना इस घर में, मेरे घर में प्रिंसिपल बनने की कोशिश मत कर, वरना तुझे फायर कर दूंगा, फायर, समझी तू? मेरे घर की दहलीज पे बराक में जाके मना कर अपनी बहन को, वरना तेरे बेटे के साथ साथ दामाद भी चार कंधों पे जाएगा। बस कोई अगली बात नहीं, कोई बात नहीं, बस बस। मेरी जिंदगी को जहन्नुम में झोंकने से पहले खुद को जहन्नुम से बचाने की तैयारी कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। पता नहीं क्या जादू किया इसने अपने बाप पे, उसको कुछ समझ में नहीं आया। अम्मी, आप अपनी तैयारी शुरू करें, अब्बा को मैं देख लूंगा। रहने दो जुनेद भाई, मैं नहीं चाहती जो तमाशा भी यहाँ चार लोगों में हुए वो पूरी दुनिया देखे। भाई भाई, अरे क्या हो रहा है? बेटे ठीक हो तुम? मैं हो जाऊं, पानी लेकर आओ। हाँ हाँ, बस यहीं लगी रहना, बाज वहां भी है, उसके भी फूल बदलने। जाओ जल्दी से, कल से तुम्हें मैं बोल रही हूँ। अच्छा कबाब भी फ्राई कर लेना, लंच का टाइम है, जाओ जल्दी। मम्मी मैंने सारी टेबल रेडी करवा दी है, कबाब भी फ्राई करवा दिए, तो टेबल इज रेडी। और दूसरी चीज ये है कि वफा का अभी अभी मैसेज आया, वो कह रही शी इज ऑन द वे, बस पहुंचने वाली है। ग्रेट। भाभी हसन भाई का है? बस आने वाले होंगे। अरे लॉन्ग लाइफ। हाँ फरहत, किधर हो तुम? वो अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं ऑफिस वापस आ जाता हूँ, और फिर फिजियोथेरेपी के बाद अम्मी को वापस पिक कर लूंगा। हाँ हाँ फरहत, ये ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो, शोरूम पहुंचो, एक क्लाइंट आने वाले, उनका नाम है अल्ताफ, उनको दो तीन गाड़ियां दिखाओ, उनसे भी कुछ पेपर्स वगैरह साइन करवाओ, इधर मैं शोरूम पहुंच जाता हूँ। ओके बाफिस। Where are you going? असद भाई वफा आने वाली है, आप उससे मिले बगैर नहीं जा सकते, और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। मिसम, I'm so sorry यार, पता है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम ऐसा करो ना, मम्मी से मिलवाओ वफा को, अगर मम्मी को पसंद आ गए तो समझो मुझे भी पसंद आ गए। असद आपको पता तो था वफा आने वाली है, तो आप मीटिंग कैंसिल कर देते। एग्जैक्टली, I tried, मैंने बहुत कोशिश की थी, बट सीरियसली क्लाइंट नहीं माना, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। बाय द वे चाचू, ये वफा दिखने में कैसी है? वफा दिखने में कैसी है? वफा ओए होए, क्या क्या मतलब ओए होए, आप तो बिल्कुल ब्लश कर रहे हैं, और वो भी लड़कियों की तरह। अच्छा बेटा ये मत भूलो, मैं तुम्हारा चाचू हूँ। ओके ब्लश वर्ष की बात भाई, आज सारा दिन तुम्हारे चाचू ब्लश करते रहे, मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। मम्मी आपकी इजाजत है, मैं जाऊँ। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी कामयाबियाँ और तरक्की अता फरमाए। आमीन।
अपना ख्याल रखें। जरूर जरूर। अब मैं वाकई जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी वफा आ जाए, मेरा उनसे आमना सामना हो जाए और फिर मुझे रुकना पड़ जाए। खुदा हाफिज़। बाय बेटा, ज्यादा डैडी के सामने ड्रामे करने की जरूरत नहीं, चलो आओ बैठो इधर। ब्लश कर रहे जी, आपको यहाँ पर कितनी देर लगेगी? 2 घंटे। मैं 2 घंटे के बाद पिक कर लूँ। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग यार। वाओ, बहुत तैयारी लग रही है यार। चले, वो सब वेट करें अंदर। Let's go. Adha. So glad you came here. Thank you so much. Aur ye hai meri bhabhi. अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आंटी कैसी हैं? सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तुम आओ ना अंदर, मीसम इसको अंदर लेकर। जी जी बिल्कुल। एक सच बात बताऊं, आज तुम्हारे आने से ना इस घर की शान और शौकत में इजाफा हो गया। थैंक यू। प्लीज आफ्टर यू आ जाओ। ओके आ जाओ। मम्मी। हाँ। वफा है और वफा ये मेरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब बैठो बेटा। ये कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी और ये खास तौर पे आपके लिए। लेकिन मैं बेटा ये। आंटी प्लीज इनकार मत करिएगा, ये समझें कि मैं अपना दिल निकाल के आपको दे रही हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं किस किस्म की बातें कर रही हूं, मगर सच में ये तोहफा बहुत ही नफीस और मतबर्रिक है। दरअसल जब मैं उम्रे पे गई थी तो अपनी मॉम के लिए लिया था, मगर जब उम्रे से वापस आई तो तब तक मेरी मॉम खासे खाक हो चुकी थी। बहुत अफसोस। मैं
बस तब से ही इस तोहफे को उनसे मंसूब अपने दिल से लगा के रखा। लेकिन जब मुझे मीसम ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि वफा, इस मुतबर्रिक तोहफे की जगह तुम्हारे घर में नहीं बल्कि आपके घर में। शुक्रिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। क्या अच्छी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। आपको पसंद आया? बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत हसीन है। शुक्रिया आंटी, आपने मेरा मान रखा। नीलम, वफा मैडम को जूस दो। मम्मी आप पियेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं लू। मीसम जी, बेटा वफा को घर तो दिखाओ। जरूर। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं आंटी के साथ यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा चलें, फिर आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। नीलम आ जाओ। Thanks for coming, यार। Wow, बहुत प्यारी लग रही है यार। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें फरहाद? बस ये समझो कि मेरी जिंदगी सुनहरे हरूफ से लिखी जा रही है। ये बताओ बेटा, घर में और कौन कौन है? वो अम्मी, एक्चुअली वफा जो है अपनी बुआ के साथ रहती है। बुआ के साथ? और कोई नहीं है घर में? नहीं नहीं अम्मी है ना, वफा के वालिद साहब जो है दुबई में होते हैं, अक्सर वफा चली जाती है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान बहुत कम आते हैं। अरे भाई कोई जवाब तो उसको भी देने दो, या खुद ही सारी स्पीच खत्म कर लो। भाई मैं तुम्हारी पसंद से कुछ सुनना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो। जी बेटा, कितना अरसा हुआ तुम्हारी मॉम की डेथ को? यही कोई 3 साल। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। नहीं आंटी प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। बेटा मैं जानती हूँ कि माँ के बगैर जीना कितना मुश्किल होता है। याद करती होगी ना उन्हें? माँ को सिर्फ माँ कहना मेरी नजर में एक बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब? माँ तो जन्नत होती है, जो खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में दुख में क्यों ना हो, लेकिन दुआ सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के सुख के लिए करती है। खुद चाहे तड़प रही हो, मगर अपनी औलाद को सुकून में देखना चाहती है। माँ की एक दुआ से औलाद की दुनिया और आखिरत दोनों सबर चाहती हैं। एंड यू नो आंटी, मैंने मीसम से साफ साफ कह दिया है,
कि अगर हमारे इस रिश्ते में आपकी दुआएं शामिल नहीं होंगी तो इस रिश्ते में खैर और बरकत का अंसर नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारी माँ के दर्जात बुलंद करे जिसने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। बहुत नेक और खुशकिस्मत औरत थी जिसकी तुम जैसी औलाद। जानती हैं आंटी, जब मॉम की डेथ हुई तो मैं बहुत तन्हा हो गई। ऐसे लगता था जैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो। अगर जब मैं मीसम से मिली ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी में नई बहार आ गई हो। खुल के जीने का दिल करता है मेरा। लेकिन आंटी, मैं ये शादी सिर्फ एक ही शर्त पे कर पाऊंगी, जब एक माँ का दुआओं भरा हाथ मेरे सर पे साया करेगा। क्योंकि मैं आपको नाराज करके अपनी खुशियों का महल हर किस नहीं बना सकती। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मम्मी खाना लग गया, चलिए जल्दी आ जाए। वफा आ जाओ। चलो बेटा आओ। आइए मम्मी। आओ बेटा। आ जाओ वफा बेटा। एक सेकंड मम्मी, आइए। जी आओ भाई, बुलाओ उसको वफा। हाँ जी वफा। भाभी मैं आए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। या ओके। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? बड़ों का नाम नहीं लेते। चलो बैठो। और ये है हमारा कमरा। अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हुई हो? इधर आओ, कम हो। कैसा लगा? मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है? मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। किस्मत तो तुम पर पहले ही इतनी मेहरबान है, आज कौन सी नई बात है? हाँ वो बस मैं
कुछ मत कहो। ये एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है वफा। मैं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारी मुस्कुराहट को और तुम्हारी खुशबू को अपने कमरे में और अपने दिल में कैद करना चाहता हूं। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। बस थोड़ी देर और। तो मैं और करीब से जानना चाहता हूं वफा, जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूं यार। मेरी जिंदगी में ये हसीन लम्हा इतने खूबसूरत अंदाज से दस्तक देगा मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और मुझे भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी इतनी हसीन। पता है मीसम, हमारी जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार जीना चाहते हैं। और वो हर लम्हा हम बार बार जिएंगे वफा, ये मेरा वादा है तुमसे। और तुम्हें पता है, जिन रास्तों पर कोई आपका अपना ही मुंतजर हो ना, वो रास्ते बहुत हसीन लगते हैं। मेरा भी एक वादा है तुमसे, इन रास्तों पे हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा मुझसे, कभी बीच रास्ते में मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना, तो मैं मर जाऊंगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया तुमने, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने दूंगी। अच्छा ठीक है, ओके, आई गेट इट यार, आई कंप्लीटली गेट इट। बाय द वे, तुम्हें पता है तुम्हारे आने के बाद ना ये पूरा कमरा चेंज हो जाएगा। यू कैन डिजाइन इट द वे यू वांट टू, कलर थीम्स योर चॉइस, कर्टन्स, फर्नीचर, टेबल्स, सोफा, सब तुम्हारी पसंद से होगा। सुना तुमने, सब तुम्हारी पसंद से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कमरे में हर चीज तुम्हारी तरह खूबसूरत दिखनी चाहिए। बस भी कर जाओ, तुम्हारी ये मोहब्बत की शिद्दत कहीं जो पागल ही ना करते। पागल ही तो देखना चाहता हूं कि मेरे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। वफा के जाने का वक्त हो गया, वफा तुम्हारा ड्राइवर आ गया नीचे। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा भाभी, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वो मैं कहना चाह रहा था कि भाभी, आंटी, मम्मी बस कमरे में गई थी, आती होंगी। आंटी से मिले बगैर तो नहीं जा सकती,
आगे। अच्छा बेटा जा रही हो। खुदा हाफिज़ आंटी। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। ऐसा लगा ही नहीं जैसे पहली दफा मुलाकात हो रही हो। बेटा हम सबको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। चलती हूँ। एक मिनट बेटा। सुने ना बेटा, गरीबों में बांटते हैं। जी मम्मी। अल्लाह तुम्हें हर किस्म के शर से, हर बुरी नजर से महफूज रखे। अल्लाह की अमान में दिया। मतलब दोबारा मुलाकात हो रही है? इंशाल्लाह जरूर होगी। कभी कोई पूछे निशानी मेरी तो फलक पे मेरा नाम लिखना, अगर कोई लिखे कहानी मेरी तो हथेली है रंगीन कहना। रोशनी से भरा आसमां है मेरा, चार सौ ख्वाबों जैसा जहां है मेरा। क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। सुने मैं समीना, मेरी बात आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बोलो। अगर नाराजगी खत्म करनी है तो बात तो करनी पड़ेगी। क्या बोलूं मैं, तुम ही बताओ क्या कहूं। तुम्हारे शौहर ने तो फैसला सुना दिया ना। बस बहुत मजबूर थी मैं। आपको पता है जुनेद बहुत परेशान है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि रुखसती की तारीख देने से पहले शराफत से बात कर लो, उससे मशवरा कर लो। मेरे ससुराल में भी 10 लोग हैं, मुझसे सवालात करते, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? सही बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कराची से पिंडी तक पूरे खानदान की नजरें मेरे फरहाद पर थी। लेकिन मैंने उन लोगों पर अपनी बहन को फौकियत दी। मुझे माफ कर दें, आपकी नाराजगी की बजाय मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। शराफत से पूछे बगैर आपसे इतनी बड़ी बात कर दी मैंने। अगर साल भर पहले निकाह की बजाय रुखसती हो जाती तो आज मैं यूं तन्हा इस मुकाम पे ना खड़ी होती। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया था कि वफा की उड़ान को यहीं रोक दो, लेकिन तुमने तो उसे एक आजाद पतंग बनने दिया। बेटियों की तरबियत इस तरह नहीं होती जिस तरह तुमने की है। सारा कसूर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक बेबाक लड़की खानदान की रुसवाई का सबब बनती है, रुसवाई का। और अब वफा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी फरहाद की इज्जत भी है। और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, इस बात को याद रखना। बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी को समझाओ। हम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं वफा को मना लूंगी और वफा मान जाएगी ना तो उसका बाप भी मान जाएगा। नहीं, अब तुम नहीं, मैं वफा से खुद बात करूंगी। आप बात करेंगे? हाँ मैं, क्योंकि मुझे वफा के इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे। बस अल्लाह ही खैर करे।
वफा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप तो जानती है ना कि कल खाला हमारे घर आई थी रुखसती का पूछने के लिए। हाँ तो वो तो मैं पूछ रहा था कि आपने खालू को मना किया कि अभी रुखसती ना करें। देखो फरा, इस वक्त ना मेरा मूड बहुत अच्छा है और तुम्हारी भीतरी भी इसी में कि तुम ना कम बात करो, क्योंकि मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। जी जी वफा जी, वफा जी एक बात और पूछूं, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा। कहो, सुन रही हूँ। ये जो आपके यूनिवर्सिटी में लड़का है ना, मुझे उसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लगती। मेरा मतलब है कि जब आपको देखता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जी, जी मैं आपको मतलब समझा नहीं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ, ये समझाने के लिए ना मुझे तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। तो हम किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं। जी, 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 बाबा जी।